रिफ्यूजी का जीवन क्या होता, बिना किसी कसूर के अपने घरों से निकाल देने का दर्द क्या होता है, ये दिल्ली से बेहतर कौन समझ सकता है। यहां का कोई कोना ऐसा नहीं है जहां बंटवारे के बाद किसी रिफ्यूजी का बंटवारे से अल्पसंख्यक बने भारतीय का आंसू न गिरा हो। सड़क पर हो रहा ये का बवाल उनके आंसुओं का अपमान है या नहीं है, उनके दर्द पे तेजाब छिड़कने वाला पाप है कि नहीं है। साथियों, मैं फिर से स्पष्ट करना चाहता हूं, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट, संविधान संशोधन कानून किसी की भी नागरिकता छीनने के लिए नहीं, ये नागरिकता देने के लिए है। हमारे तीन पड़ोसी देशों के वो अल्पसंख्यक तो अत्याचार की वजह से वहां से भागकर भारत आने के लिए मजबूर हुए हैं, उन्हें इस एक्ट में कुछ मदद की गई है, रियायत दी गई है, कुछ डील दी गई है, और ये रियायत भी मोदी की सोच है ऐसा मानने की जरूरत नहीं है। ये रातों रात मोदी को विचार आ गया इसलिए मोदी ने कर दिया, ऐसा नहीं है। ये रियायत महात्मा गांधी की भावना के ही अनुरूप है। महात्मा गांधी ने कहा था कम से कम ये लोग जो महात्मा गांधी को लेकर के देश पर बातें करते रहे और आज भी गांधी सरनेम का फायदा उठाने की बातें करते हैं, जरा वो कान खोल करके सुन लो। गांधी जी ने कहा था मोदी को मानो या ना मानो, अरे गांधी को तो मानो। महात्मा गांधी ने क्या कहा था? महात्मा गांधी जी ने कहा था कि पाकिस्तान में रहने वाले हिंदू और सिख साथियों को जब लगे कि उन्हें भारत आना चाहिए तो उनका स्वागत है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, पूज्य महात्मा गांधी कह रहे हैं। भाइयों बहनों, ये छोटे रियायत तब की भारत की सरकार के वादे के मुताबिक है जो बंटवारे के कारण उस समय अल्पसंख्यक बने करोड़ों भारतीयों के साथ आज से 70 साल पहले जो वादा किया गया था उस वादे को हम निभा